हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे AIBE18 एडमिट कार्ड 2023 की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 18 के एडमिट कार्ड रिलीज कर दिए हैं। कैसे, कब और कहां से आप अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप के बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर ले। तो गाइस, बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट indsarkarinaukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहां पर आपको इस एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग पूरी डिटेल प्रोवाइड करा दी गई है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कुछ दिनों पहले ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन AIBE18 के लिए नोटिफिकेशन रिलीज किया था। यहाँ पर सिलेक्शन आपका AIBE18 एग्जाम के स्कोर के आधार पर होगा। डेट्स की अगर बात करें तो 16 अगस्त 2023 से 10 नवंबर 2023 के बीच में आपसे AIBE18 एग्जाम के लिए एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट किए गए थे। एग्जाम आपका 3 दिसंबर 2023 को कंडक्ट होने जा रहा है। आप अपने AIBE18 एडमिट कार्ड 25 से 30 नवंबर 2023 के बीच में डाउनलोड करके 3 दिसंबर 2023 को एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हो। आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन में आकर AIBE18 एडमिट कार्ड 2023 आपको इस लिंक पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने यहां पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा, या फिर गाइज आप डायरेक्टली अपने इंटरनेट ब्राउजर की एड्रेस बार पर टाइप करोगे allindiabaregamination.com। आप यहां पर इस पोर्टल पर आ जाओगे। यहां पर आपको 25 नवंबर 2023 से 30 नवंबर 2023 के बीच तक आपके एडमिट कार्ड का लिंक एक्टिव कर दिया जाएगा न्यूज एंड अपडेट सेक्शन में, या फिर यहां पर आपको आपके एडमिट कार्ड का लिंक एक्टिव कर दिया जाएगा। आपको अपने उस एडमिट कार्ड के लिंक पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहां पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। अब यहां पर आकर आपको अपना यूजर नेम एंटर करना है, पासवर्ड एंटर करना है, रिमेंबर मी इस ऑप्शन को क्लिक करना है, और फिर आई एम नॉट ए रोबोट इस ऑप्शन पर क्लिक करके लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना होगा। आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होने के बाद कुछ इस तरह से शो होगा। इसमें आपको सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएगी, जैसे कि क्या आपका रिपोर्टिंग टाइम है, कब से कब तक आपका एग्जाम होगा, किस डेट को आपका एग्जाम होगा, किस वेन्यू पर आपका एग्जाम होगा, किन किन चीजों को आप एग्जाम में कैरी कर सकते हो, किन किन चीजों को आप एग्जाम में कैरी नहीं कर सकते हो। सभी डिटेल्स आपको आपके एडमिट कार्ड में प्रोवाइड कर दी जाएगी। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली रीड करनी है। उसके बाद आपको अपने एडमिट कार्ड का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है और उसके साथ आपको एग्जाम में पार्टिसिपेट करना है। आपको अपने एडमिट कार्ड के हार्ड कॉपी प्रिंट आउट के साथ साथ ही अपना एक वैलिड फोटो युक्त पहचान पत्र भी एग्जामिनेशन सेंटर पर साथ लेकर जाना होगा, जैसे कि कोई आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस। इन दो डॉक्यूमेंट के साथ आपको एग्जाम में पार्टिसिपेट कर लेना है। तो दोस्तों, ऐसे आप अपना AIBE18 का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। गाइस, आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही एग्जाम डेट्स के लिए नोटिस की पीडीएफ का लिंक भी दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये ऑफिशियल पीडीएफ खुल जाएगी बार काउंसिल ऑफ इंडिया की। यहां से आप चेकआउट कर सकते हो। आपका एग्जाम 3 दिसंबर 2023 को कंडक्ट होने जा रहा है और आप अपने AIBE18 के एडमिट कार्ड 25 नवंबर 2023 से 30 नवंबर 2023 के बीच में डाउनलोड करके एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो दोस्तों, ऐसे आप अपना AIBE18 एग्जाम एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।